यह ब्रह्म हृदय है। द्वापर युग में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा था, यह ब्रह्म हृदय में स्नान करने के लिए स्वयं कृष्ण द्वारका से और उनको 16,108 पटरानियाँ, वसुदेव, देवकी और जितने द्वारकावासी हुए भी यहीं पर आए थे, और ब्रज से श्रीमती राधा रानी, नंद बाबा, ग्वाल बाल, ब्रज गोपियाँ, वे लोग भी यहीं पर स्नान करने के लिए आए थे। बोले सुदीर्घ विरह के बाद में यहीं पर राधा कृष्ण का मिलन यहीं पर हुई थी। कृष्णा यहीं पर स्नान करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके उसके बाद में जो दूर दूर से आए थे भक्त लोग, फिर सबको साथ में कृष्णा यहीं पर मिलने की थी, और यहीं पर कृष्णा अपना सखाओं को साथ में यहीं पर मिले थे। उस समय कृष्ण का उम्र 100 साल करके होगा, लेकिन मैया यशोदा की गोद में बैठ करके कृष्ण यहीं पर रोने लग गए थे। मैया यशोदा भी कृष्ण को अपना गोद में पा करके इतना वृद्धावस्था में भी स्तन से दूध भी निकला था, और यहीं पर कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में मिले और श्रीमती राधा रानी से भी यहीं पर मिले। तब राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब भी वही कृष्ण हो, मैं भी वही श्रीमती राधा रानी हूँ। लेकिन जब हम वृंदावन में जहाँ पर यमुना नदी कलकल नाद से बह रही हैं, जहाँ पर सुंदर बेली, चमेली, जूही, कहते कि सुंदर सुंदर जहाँ फूल खिले हुए, जहाँ पर सुंदर कदम का वृक्ष, जहाँ पर चंद्रमा की किरण छिटक रही है, जहाँ पर कोयल कुहू कुहू कर रही थी, जहाँ पर मयूर केका कर रहे थे, जब हम सिर्फ वृंदावन धाम में मिलते थे, वो जो आनंद है यहाँ पर वो आनंद नहीं है। यहाँ पर तो आपका कोई ब्रज का कोई चिन्ह है ही नहीं। आपको शरीर में द्वारकाधीश मुकुट हैं, और आप सोने चांदी हीरे जवाहरात की ड्रेस पहने हो, लेकिन आपका हाथ में बंसुरी कहाँ, मयूर मुकुट कहाँ है? यहाँ पर तो हाथी घोड़ा सैन्य सामंत है। इसलिए अगर मेरे को आप आनंद देना चाहते हो, इसलिए मेरी हृदय रूपी रथ में बैठो, आपको हम ले चलते हैं वृंदावन में। वहीं पर जब यमुना किनारा में निकुंज में मिलेंगे, तभी मुझको पूर्ण आनंद मिलेगी। इसलिए हमारी हृदय रूपी रथ में बैठो और हम आपको ले चलते हैं श्री वृंदावन में। इसलिए ये सूर्य ग्रहण में भगवान कृष्ण भी, ब्रज गोपियाँ, ब्रजवासी सबके सब यहीं पर आकर के स्नान किया था। इसलिए आज भी बड़े दिनों में को बाद में ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लाखों भक्त लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। इसलिए कल सबके सब स्नान करेंगे, दान करेंगे और सबके सब भगवत भक्ति अर्जन करेंगे। गौर परमानंदे हरि हरि।